हाँ जी ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में एक एक को बैठ करके माथा मारना पड़ता है। ज्ञान का मतलब ही है राजयोग, राजाई देने वाला योग। राजाएं ढेर होते हैं या प्रजा ढेर होती है? तो ज्ञान मार्ग में भी बेसिक में भक्ति चलती है। जब भक्ति चलती है तो ढेर की ढेर प्रजा निकलती है। यहाँ तो एक एक को बैठ माथा मारना पड़ता है। जब तैयार होते हैं, बाप को पहचानते हैं, वो भी थोड़े निकलते हैं। हजारों के हजार हुजूम बैठ करके इकट्ठे नहीं हो पाते। और फिर बाप का गुप्त पाठ चलता है तो इकट्ठा होना और ही मुश्किल हो जाता है। और बाबा बोला किया जन्म नहीं दिखाते हैं, शिव का जन्म दिखाते हैं। शिव का जन्म कहाँ दिखाते हैं? शिव की जयंती कहीं मनाते हैं भक्ति मार्ग में? नहीं मनाते। शिवरात्रि मनाई जाती है। इसका मतलब जब घोर अज्ञान अंधकार दुनिया में फैल जाता है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अंधकार फैल जाता है। ब्राह्मणों की भी जनरेशन सारी अंधकार में आ जाती है। इतना माया का अपोजिशन होता है, इतना माया का पसारा फैल जाता है। बेसिक में भी और एडवांस में भी चारों ओर अंधकार फैल जाता है। तब मैं आता हूँ। तो 76 में ऐसा हुआ है क्या? 76 में तो सिर्फ बेसिक वालों में ऐसा हुआ, एडवांस वालों की तो जनरेशन ही नहीं थी। एडवांस में भी ऐसा होता है क्योंकि दुनिया की हर बात को, हर चीज को चार अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। एडवांस ज्ञान भी चार अवस्थाओं से जब पसार होता है तो अंत में सब तमो प्रधान हो जाते हैं। और है तो लिखा है क्या? लिखा है कि बेस है, पहले है कौन सा गुण? कौन सा लिखा है कि बेस शास्त्र भी पहले छोटे रूप में होते हैं, बाद में उनका बड़ा रूप होता है। जैसे ज्ञान बीज छोटा होता है, वृक्ष का बीज बाप छोटा होता है, बाद में विस्तार होता जाता है। ऐसे ही द्वापर के आदि में भक्ति सतो प्रधान थी या तमो प्रधान थी? सतो प्रधान भक्ति थी। उस समय आदि में शास्त्र नहीं थे। अजंता एलोरा एलिफेंटा जो पर्वत की गुफाएं थी उनमें चित्रकारी बैठ बनाई गई। उन चित्रों में सारा ज्ञान भरा हुआ था। उन चित्रों के बाद चित्रों को देख देख करके पहले छोटे रूप में शास्त्र आए। उन शास्त्रों में
ऋग्वेद पहले आया। ऋक् माने सच्चाई, तो सच्चाई कौन से शास्त्र में है? कौन सा ऐसा शास्त्र है जिसमें सबसे जास्ती सच्चाई भरी हुई है? श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता के जो भी सार हैं, वो सार पहले पहले ऋग्वेद में आए, बाद में और वेद तैयार हुए। जैसे ब्रह्मा के चार पुत्र हैं, चार धर्मों के बीज हैं, वैसे ही चार वेद हैं, उनका भी मानवीयकरण किया गया है शास्त्रों में। ऐसे नहीं कि वो किताबें मात्र ही हैं जड़। जैसे मनुष्य समझते हैं गीता जड़ है, गीता सिर्फ कागज के पत्ते हैं, नहीं, गीता हमारी माता है, चैतन्य है। वो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सब शास्त्रों की माँ है, माई बाप है, सब शास्त्रों का सार भरा हुआ है। तो पहली पहली रचना कौन हुई? गीता। और है टाइम अलग अलग है। जब भक्ति मार्ग होता है तो ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं होता, और जब ज्ञान होता है तो भक्ति रिंचक मात्र भी नहीं होती। जब भक्ति होती है तो अंधकार होता है, भगवान की पूरी पहचान नहीं हो सकती, आत्मा की भी पूरी पहचान नहीं होती। अगर होती भी है तो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं होती। अगर प्रैक्टिकल जीवन में 24 घंटे लगातार आत्म की स्थिति नहीं है तो ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे? तो भी अज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान और भक्ति में ये अंतर है टाइम का। जब भक्ति होती है तो ज्ञान कल्ट नहीं कहेंगे, जब ज्ञान कल्ट है तो भक्ति नहीं कहेंगे। अभी तो भक्ति चल रही है बाबा। हाँ, अभी तो भक्ति चल रही है ना। मन कंफर्म करने की जरूरत है, अपने अंदर देखो। हम अपने अपने अंदर झांक करके देखें, हमारे अंदर अज्ञान का बीज है या नहीं है? अज्ञान माने विष, ज्ञान माने अमृत। अमृत का भरा हुआ घड़ा भी है, दूध का भरा हुआ घड़ा भी है, और एक बूंद उसमें अज्ञान का विष है तो सारा क्या हो जाएगा? सारा ही विष है। इसलिए पूछने की दरकार नहीं है। और जोर से बोलो। हाँ, आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज को प्राप्त करने वाले चार नहीं, आठ हैं। जो आठ धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, बाकी गलती करते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं समझते, इसलिए तो धर्मराज की सजाएं खाते हैं। बाबा, उस कर्म का परिणाम तुरंत मिल जाता है? नहीं, जैसे आग में हाथ डालेंगे तुरंत हमको जल जाएगा। वो आग है ना, लेकिन कुछ कर्मों का परिणाम हर एक चीज आग नहीं है।
हर एक प्रकार का कर्म आग नहीं है। कर्मों का हिसाब ये है, जो कर्म अति तीव्र गति से किया जाता है उसका फल जल्दी मिलता है, और जो कर्म धीमी गति से किया जाएगा, जितनी धीमी गति से किया जाएगा उसका फल उतना ही बाद में मिलेगा। गोली से शूट कर देते बाबा, कोई करता है तो बहुत तीव्र गति से ही होता है। गोली का शूट किया हुआ वो अणु है, अणु अणु को इकट्ठा करके अणु बम का छोटा रूप बनाया है। यह आत्मा भी अणु है, आत्मा रूपी अणु में एकाग्र हो करके हम जो भी संकल्प करेंगे वो तीव्र गति वाला होगा या मध्यम गति वाला होगा, तीव्र गति वाला होगा। ऐसे ही गोली का हिसाब। बाबा एक महाभारत में चीज दिखाते हैं बाबा कि पांडव जब अज्ञात वास के लिए राजा विराट के यहाँ जा रहे हैं तो अपने अस्त्र शमी के पेड़ पर रखे थे। हाँ जी। फिर एक साल के बाद, करीब करीब एक साल के बाद, दुर्योधन अपनी पूरी सेना के साथ जब अटैक करता है तो फिर वही अपना हथियार जो है अस्त्र जब फिर शमी के पेड़ से लेते हैं। आज हिंदुओं के घर में देखते हैं प्रायः लोग जो है तुलसी के पेड़ तो लगाते ही हैं, शमी के पेड़ ही लगाते हैं, इसका क्या भाव है? पेड़ कोई दूसरा नहीं है, शमी का वृक्ष कहो, तुलसी का पौधा कहो, कामधेनु गऊ कहो, जिसमें 33 करोड़ देवताएं समाये हुए हैं, और 33 करोड़ देवताओं में परम धाम से आने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती हैं टाइम टू टाइम। तो तुलसी का वृक्ष या जगत माता, उसमें सारी दुनिया समाई हुई है, माना यही कल्प वृक्ष हो गया। कल्प वृक्ष जो है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का वृक्ष है। जब परिपूर्ण स्टेज हो जाती है, ज्ञान की भी परिपक्व अवस्था हो जाती है, तो अति गुप्त रूप हो जाता है, खास करके पांडवों का, जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। योग जुगुते तप मंत्र प्रभाऊ, फले तबे जब करिय दुराऊ, ये राजयोग अंतिम स्टेज में तब सफल होता है जब बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया जाता है। सिर्फ एक दान की ही बात नहीं है कि गुप्त दान महाकल्याण, जो बाप की याद है वो भी एक प्रकार का दान है। उससे वाइब्रेशन शुद्ध होता है, जड़त्वमयी संसार में भी शुद्धि आती है। संगी साथी मनुष्य आत्माएं ही नहीं, सभी प्राणी मात्र में वाइब्रेशन की शुद्धि आती है। ये जितना ही गुप्त करेंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो गुप्त कर्म का प्रभाव है, गुप्त पुरुषार्थी पांडव कहे जाते हैं।
उन पांडवों का अंतिम पुरुषार्थ 13वें वर्ष का पुरुषार्थ माना गया है। वो अंतिम क्षण है जो मायावी योद्धाएं हैं, अगर उनको पकड़ने में चूक जाते हैं तो हमेशा के लिए उनकी हार हो जाती है। ये फाइनल पेपर है, और जो पेपर होते हैं वो उतने पावरफुल नहीं होते। फाइनल पेपर कड़ा होता है, तो जो कड़ा फाइनल पेपर है उसमें निराधार पुरुषार्थ होना चाहिए या आधार होना चाहिए। राजा विराट के यहाँ जाकर के वो अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू करते तो प्रत्यक्ष नहीं हो जाते, गुप्त रहते, प्रत्यक्ष हो जाते। इसलिए बड़े से बड़ा गुप्त पुरुषार्थ है बाप की याद, उसमें प्रत्यक्ष होने की बात नहीं है। जो भी ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं वो सब अर्पण कर दिए। कहाँ अर्पण कर दिए? शमी वृक्ष है, वृक्षपति नहीं, तुलसी का पौधा, वो जड़ पौधा है या चैतन्य है? है जड़ है, वो तो दुनिया का जड़ पौधा है जिसका हम मिसाल देते हैं। लेकिन जिस तुलसी का भगवान को भोग लगाया जाता है पहले पहले, वो चैतन्य आत्मा की बात है या जड़ पौधे की बात है? चैतन्य आत्मा की बात है। वो सारा ज्ञान उनको सौंप दिया जाता है। पांडव ज्ञान नहीं सुनाते उस समय, कौन सुनाती है? शक्तियां। ज्ञान कलश किसके हाथ में दिया जाता है? शक्तियों के हाथ में दिया जाता है। इसलिए दिखाया है कि आखिरी गुप्तवास में पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष पर चढ़ाई दिए। और कहाँ आना पड़ता है? उनको भी आना पड़ता है। किनको? हाँ जी, हाँ तो अभी आ गया है पूरा पूरा। तुम्हारी बुद्धि में पूरा पूरा आ गया? अभी अभी घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता है तो आ कहाँ गया? और परमात्मा के आगे है परमात्मा के आगे हर आत्मा स्त्री है, भाई भाई के जगह पर कोई बाहर नहीं समझ सकता। कोई परमात्मा की बात कर रहे हैं या कोई की बात कर रहे हैं? है अभी परमात्मा की बात किया या आत्मा की बात किया? परमात्मा के सामने ना। और परमात्मा किसे कहा जाता है? परमात्मा किसे कहा जाता है? कौन है परम पाठधारी? है शिव बाबा। बाबा शब्द अगर हटा दें तो परमात्मा है? है नहीं है, फिर वो परम पिता है। वो सिर्फ पिता का ही संबंध बनता है,
दूसरा संबंध नहीं बनता। जब वो परम पिता परम पाठधारी हीरो पाठधारी में प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है। फिर अनेक संबंध हैं, उन संबंधों के बीच में एक मुख्य संबंध जो ज्यादा याद का कारण बनता है वो है साजन और सजनी का संबंध। वो परमात्मा जो विश्व पिता है, जो आदि में प्रजा पिता का टाइटलधारी बनता है, वो अंत में शास्त्र में क्या गाया हुआ है, प्रजापति। वो विश्वपति भी है, माने विश्व की हर आत्मा के ऊपर उसका ऐसे ही अधिकार है जैसे पति का अधिकार पत्नी के ऊपर होता है। और लगते हैं, दिन में लड़ाई लड़ते हैं और रात में प्यार से रहते हैं। कहाँ की बात है, कैसे? हाँ? अरे बुद्धि में जब ज्ञान आता है, ये कौरव है, ये यादव है, मैं पांडव हूँ, या मैं कौरव हूँ, मैं यादव हूँ और ये पांडव हैं। जब ये ज्ञान उत्पन्न होगा तभी तो युद्ध होगा। गीता ज्ञान पहले आता है या महाभारत युद्ध पहले आता है? गीता ज्ञान पहले आता है। अभी गीता ज्ञान चल रहा है या भागवत चल रही है या युद्ध चल रहा है महाभारत? गीता ज्ञान चल रहा है। ज्ञान बुद्धि में आता है तब झगड़ा होता है। ये अंदरूनी झगड़ा है, आखिरी झगड़ा है, अंदर से सफाई होने वाली है। तो अच्छी बात है, खराब बात है? पहले गीता ज्ञान आता है, जब ज्ञान आ जाता है फिर भागवत होती है, जो आत्मा रूपी सच्ची सच्ची गोपिकाएं हैं, अपने को भगवान की पत्नियां मान लेती हैं, भगवान साजन की सजनियां समझ लेती हैं, वो फिर कहां भागेंगी? साजन के पास भागती हैं। कोई कितना भी रोके तो भी रुकने वाली नहीं है, तो भागवत हो जाती है। अभी कच्ची कच्ची भागवत हुई है या पक्की पक्की भागवत हुई है? कच्ची कच्ची इसलिए हुई है कि धीरे धीरे भाग रही है और सरेंडर्ड वर्ग में से भाग रही है या नॉन सरेंडर्ड वर्ग में से भाग रही है। कोई किला होता है, किले के दो परकोटे होते हैं, प्राचीर दीवालें, एक अंदर की दीवाल जिसमें राज परिवार के लोग रहते हैं सरेंडर्ड, और एक बाहर की दीवाल जहां सेना पड़ी रहती है, बड़े बड़े अधिकारी पड़े रहते हैं। तो ये बाहर की प्राचीर टूटी है जो एडवांस में आए हुए हैं, वो घरग्रस्त में चलने वाले लोग आए हुए हैं या सरेंडर्ड लोग आए हुए हैं? घरग्रस्त वाले आए हुए हैं। ये पक्की भागवत नहीं कहेंगे, पक्की भागवत तब कहेंगे जब अंदर का परकोटा टूटे और जो राज परिवार में सरेंडर्ड हुए पड़े हैं वो निकल के भाग खड़े हों और तीव्र गति से भागें।
धीरे धीरे नहीं, जो गायन बताया रानी की एक मक्खी निकलती है, जो रानी मक्खी कही जाती है, शहद की मक्खी, उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। जब ऐसे होगा तो अंदर वाले जो बैठे हुए हैं कंट्रोल करने वाले, जिनके लिए मुरली में बोला है पहले राजाए निकले, जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, और अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। तो हजारों की तादाद में जब इकट्ठी निकलेंगी तो जो अपने को राज परिवार के समझते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा द्वारा हमको राजाई दी है, उनको क्रोध आएगा या नहीं आएगा? जोर से क्रोध आएगा। तब महाभारत युद्ध हो जाएगा। इतना जोर से क्रोध आएगा कि उल्टा पलटा सब तरह का काम करने लग पड़ेंगे। आदमी की क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जोर से बोलो, जो अपने को भगवान कहते हैं उनको जूती निकाल दो, चार जूती लगा मार देना चाहिए, बिल्कुल मार देना चाहिए। हैं? नहीं नहीं नहीं, बाबा बेहद की बातें करता है या हद की बातें करता है? जिनकी हद की बुद्धि है वो हद की बातें पकड़ते हैं, जिनकी बेहद की बुद्धि है वो बेहद की जूती मारेंगे। अरे मखमल की जूती मारो ये बाबा कहते हैं कि चमड़े की जूती मारो? हाँ, मखमल की है। और है? हाँ, जो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ है, वो ही गॉड है। जो गॉड फादर है वो ही शिव है। शिव जो शिव है कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है 1% भी, तो सुंदर है, कल्याणकारी तो है, समाज कल्याण के बहुत काम करता है, देश कल्याण के कार्य करता है। 1% अकल्याणकारी भी है तो सुंदर? सुंदर नहीं है। जैसे सफेद भकभके कपड़े कोई पहने हुए है और उसमें स्पॉट लगा हुआ है, तो वो एक स्पॉट सारी सुंदरता को खराब कर देता है। उसको कहते हैं सत्यम, एक एक बात में सच्चा है, कोई पहचाने ना पहचाने वो बात दूसरी, आज नहीं पहचानता है कल उसे पहचानेगा, मानेगा, रियलाइज करेगा कि यही सत्य है। जो मुरली में अव्यक्त वाणी में बोला है, सब कहेंगे, सारी दुनिया कहेगी हमारा बाप सच्चा बाप आया हुआ है। जो सामने आवे, जो देखे, उसके मुंह से निकले, दिल की आवाज निकले, मेरा बाप आ गया, वो सत्यम है।
वही शिवम है। शिवम माने कल्याणकारी। सच्चा हो, सच्ची बात कहने वाला हो और वो सच्ची बात रिजल्ट में अकल्याण कर दे तो शिवम नहीं कहा जाएगा। ये हो सकता है कि अल्पकाल का अकल्याण देखने में आता है, जैसे मरीज को कड़वी दवाई दी जाती है और उसको उल्टी हो जाती है। लोग क्या कहते हैं, मरीज क्या कहता है, दवाई खराब है, लेकिन दवाई खराब नहीं है। सत्यम वही सत्यम है जो सदैव कल्याणकारी है। कल्याणकारी वही कल्याणकारी है जो आज भी कल्याणकारी है, कल भी कल्याणकारी था और आगे भी कल्याणकारी ही रहेगा। और जो सत्यम है, जो सुंदरम है, वो ही शिव है। कल्याणकारी है, सच्चा है, वो ही सुंदर है। नहीं तो कितना भी बाहर से देखने में सुंदर हो, विसरस भरा कनक घट जैसे, सोने का घड़ा है और उसके अंदर विष भरा हुआ है, कितना चमकीला दिखाई पड़ता है बाहर से, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। तीनों गुणों का मेल है 100% तो भगवान है। तीनों गुणों का 100% मेल नहीं है तो भगवान नहीं हो सकता। और शास्त्रों में लिखाया है कि राम की सीता दशरथ की बड़ी है। हाँ जी, अभी इनका एक प्रश्न शुरू हो गया, थोड़ा रुको। राम और सीता की बात बताई कि सीता 10 साल बड़ी और राम 10 साल छोटा दिखाया गया। बातें सब कहाँ की हैं, संगम युग की। माने सीता वाली जो आत्मा है वो संख्याचक में ज्ञान में आती है, बेसिक में, और राम वाली आत्मा संसार में प्रत्यक्ष होती है 76 में। तो कितने साल हुए, 10 साल हुए, तो वो 10 साल का अंतर भक्ति मार्ग में ऐसे दिखा दिया है। और हाँ है भगवान, तीनों गुण जो बता रहे थे वही, तीनों गुण क्या, सच्चाई गुण है, कल्याणकारी गुण है, सुंदरता गुण है, अवगुण थोड़ा ही है, है? वो एक बात अलग, वो कार्य अलग, यहाँ गुणों की बात हो रही है। काम अलग, ये गुण अलग। आपकी बात पूरी हो गई, एक बात पूरी हो, हाँ बोलो क्या कह रहे थे, हाँ? तीनों गुण क्या क्या अभी तो बता रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। नहीं, ये इधर कौन क्या पूछ रहा था, है सीता वाली आत्मा कौन है? अरे सारी रामायण कथा हो गई, सीता का बाप रावण निकला। और
संगीत साथियों से पूछ लेना, बता देंगे बाद में। है, है? तेरे बहाने सर्व का भला, एक बहाना लिया भगवान सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो पहला ब्राह्मण तैयार होता है। तो पहले ब्राह्मण में प्रवेश करता है या ब्रह्मा में प्रवेश करता है, है? किसमें प्रवेश करता है पहले? ब्राह्मण में प्रवेश नहीं करता, ब्रह्मा में प्रवेश करता है। तब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होता है। तो ब्राह्मण का भला होगा तो किसके बहाने से होगा? ब्रह्मा के बहाने से होगा। तो कहेंगे जो पहला पहला ब्रह्मा है जगदम्बा, उसका जब तक कल्याण नहीं हुआ है तब तक सारे संसार का कल्याण नहीं हो सकता। माता को गुरु बनाना पड़े, माता गुरु बिगर उद्धार हो नहीं सकता। बाबा आज होली के दिन है, ये होली के दोनों ने किसने बनाया, उन्होंने बनाया ना ऐसा ऐसा आज ढेर सारी अव्यक्तवाणियां चल गई होली के ऊपर, और अभी तक पूछ रहे होली क्या है, है? देखा होली का कोई नहीं है, तो होली को ठीक है, है? वो जो होली भक्ति मार्ग में चल रहा है, जो बैनर चलता है वो तो ठीक ही है। आज रात का जो होली चल रहा है रंग बन रहा है, तो उसमें सब आदमी लोग भाग रहे थे। हाँ, कोई गाड़ी नहीं है, हाँ, माने रंग डालने की होली पूछ रहे क्या? एक बात पूछो ना, हाँ? रंग डालना, तो ये ज्ञान का रंग डालना एक दूसरे के ऊपर, तो ज्ञान रंग में सब रंग जाएंगे। जब ज्ञान रंग में रंग जाएंगे तब एक दूसरे से संस्कार मिलन होगा। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है, ज्ञान के रंग में रंगे हुए नहीं है, तो आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। पहले रंगना होता है या पहले मिलना होता है? पहले रंगते हैं बाद में मिलते हैं। तो ये संस्कार मिलाने का तरीका है। हाँ, तो जलाओगे नहीं तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं बैठेगा? खुद की बुद्धि में नहीं बैठा है तो दूसरे को ज्ञान रंग कैसे चढ़ाएंगे? बाबा एक सिखाते हैं शास्त्रों में कि रामचंद्र को विश्वामित्र जी बक्सर में बिहार में जाकर ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग लिए उन्होंने, ट्रेनिंग दिया उन्होंने, है? कालिका वगैरह को उन्होंने मारा है, सिखने कर रहे हैं। दूसरी बात दिखाते हैं कृष्ण के बारे में कि कृष्ण जो है अर्जुन को भीम को ले आकर करके राजगीर में जराखंड को खत्म किया, जो कि बहुत तकलीफ दे रहा था, एक में बहुत तकलीफ दे रहा था, जो भी हो। तो ऐसा दिखाया, फिर दिखाया इसी हम लोगों ने देखा जो कि गांधी जी भी बिहार में आकर के सबसे पहले अंग्रेज को विरोध करने के लिए चंपारण में आकर नील की खेती को किया, सत्याग्रह सबसे पहले किया। तो बिहार की कुछ विशेषता है कि या तो ऐसी बाहर लाओ न, जब करेंगे तभी भरेंगे न, के महिमा करने से भरेंगे। पहले करके दिखाएं फिर महिमा की बात।
जो बिहार में बताया है कि बिहार बाहरी मौसम लाएगा, तो वो मौसम कब आएगा? जब ताड़का को मारने का काम हो। ये बहुत सी ताड़काएं ऐसी ऐसी फिर रही हैं, सूपन खाएं, पूतनाएं, नाक उठाई और इधर उधर भागती फिरती हैं, ना कोई काम ना कोई धाम। बाबा कहते घूमना फिरना भूतों का काम। ये भूतनिया है जो कोई के कंट्रोल में नहीं रहती है। भगवान का कंट्रोल तो बहुत बड़ी बात है, उनमें संस्कार भरे हुए हैं, अपनी चलाएंगी। ऐसी ताड़काओं को बध कर दिया। शिशुपाल, इसकी पालना करने वाला शिशु, जो बेसिक ज्ञान में छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, उनकी बुद्धि में ऐसा जहर भर देते हैं, यहाँ ऐसा होता है वहां वैसा होता है, ब्रह्मा कुमारियां ऐसी हैं, ब्रह्मा कुमार वैसे हैं, सत्यानाश कर दिया। तो छोटे छोटे शिशु हैं, चाहे बेसिक में है चाहे एडवांस में है। एडवांस में ज्ञान में निकलने वाली आत्मा कच्चा कच्चा ज्ञान उठाती है, पूरा ज्ञान उठा नहीं पाया, बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठा नहीं, और उनको विषैला इंजेक्शन लगा दिया। वहां ऐसा होता है वहां वैसा होता है, बस छोटा सा बच्चा खत्म हो गया। पूतना क्या करती थी? छोटे छोटे बच्चों को विषैला दूध पिलाई देती थी। वो विष भरा दूध पिलाने से बचपन में ही उनकी मौत हो जाती थी। तो ये गायन कहाँ के हैं? यहाँ के गायन हैं। स्थान का महत्व हो जाता है। और बड़ी माँ, हाँ बड़ी माँ को लिख के दिए, क्योंकि वो तो जगदम्बा है। कौन अम्बा है? जगत की अम्बा। तो जब जो ज्ञान में आते हैं, चाहे बेसिक में आते हैं चाहे एडवांस में आते हैं, तो जगत में पैदा हुए आ रहे हैं या पहले से जानते हैं हम स्वर्ग में ही पैदा होने वाले? जगत में पैदा होने वाले, पहले से कोई नहीं जानता हम सूर्यवंशी है, जानता है? कोई नहीं जानता। तो जो जानते हैं वो ही लिखते हैं कि हमने जगत पिता को और जगदम्बा को पहचान लिया। बाकी ज्ञान में गहरे घुसेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, ऊंची कोटि के ब्राह्मण बनेंगे, तो नौ कुरियों में से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुरी के सूर्यवंशी ब्राह्मण बाद में बनेंगे, बाद में पहचान में आवेगा कि माँ भी उतनी बड़ी नहीं है। प्योरिटी में माँ की जो सास है, माँ की भी माँ, वो भी उतनी बड़ी नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है या नया नया गोल्ड कहा जाता है? आजकल की नई नई बहुएं निकल रही है, उनमें ज्यादा प्योरिटी है या उनकी जो सास है उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है? और सास की भी जो सास रही हो उनमें और भी ज्यादा प्योरिटी थी, और उनकी भी जो परदादी कही जाती है उनमें और ज्यादा प्योरिटी थी। ओल्ड इज गोल्ड। तो ये तीन पीढ़ियां दिखाई हैं। यज्ञ में
आज से ही ये तीन पूड़ियां तैयार हुई। तीन मूर्तियां हैं 33 करोड़ देवताओं में, तीन कैटेगरी वाली, ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी, विष्णु और विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णवपंथी, और सबसे ऊंचे तबके में दिखाया जाता है शंकर। तीन तबके, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, ये तीन तबकों में पुरुषार्थ करने वाली ऊंचे से ऊंची मूर्तियां हैं तीन। तो तीनों मूर्तियों में जो ब्रह्मादेव उससे ऊंचा, विष्णु देव, देवदेव, फिर तीसरी मूर्ति महादेव। तो महादेव के जो फॉलोअर्स हैं वो पहले पैदा हुए होंगे या विष्णु के फॉलोअर्स पहले पैदा हुए होंगे? अव्वल नंबर पुरुषार्थी कौन होंगे? तो वो जो बीज हैं सूर्यवंशियों के 8 मूल बीज जो सब धर्मों के पूर्वज हैं, सब धर्मों के इसलिए कहा कि हैं तो वो 84 जन्म में एक बाप के फॉलोअर, लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए अंतिम 84वें जन्म में वो भी माया के वशीभूत हो जाते हैं, कोई न कोई धर्म के पंजे में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो उस धर्म से निकली हुई आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ करते करते, तीव्र पुरुषार्थ करते करते एकदम टॉप की टॉप मोस्ट पुरुषार्थियों की लिस्ट में पहुंच जाते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ज्ञान मिलने मात्र से ही उनमें जो फाइनल पेपर की शिफ्ट होती है वो शेषता औरों में नहीं होती है। उन 8 में से जो दूसरा मन का है, हीरो पार्टधारी के बाद वाला, आप कहेंगे जगदम्बा, जगदम्बा तो रुद्रमाला का लास्ट मणका है। लास्ट इसलिए कहा कि सबको शंका पैदा हो जाती है, नैया डूबी की डूबी, अब नहीं बचेगी। और बाप कहते हैं नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। पीपल के पत्ते का पार्ट बजाने वाली नैया है, वो शंकर चाप जहाज नहीं है। जो सिखों में गाए ने नानक चाप जहाज, वो हल्की फुल्की नवैया है, जिस नवैया में कृष्ण जैसा बच्चा प्यारा प्यारा बिठैया है, और शिव बाप उसका खेवैया है। इसलिए वो लास्ट मणका है, लेकिन लास्ट छोड़ते हुए भी वो ऐसा मणका है जो रुद्रमाला के फर्स्ट मणके के समानता करने में आगे हो जाता है। किस बात में? नहीं, भगवान के जितना समीप पहला मणका है उतना ही समीप लास्ट मणका भी है।
इसलिए जगदम्बा का पार्ट है। लेकिन वो अष्टदेवों में नहीं है, सूर्यवंशी नहीं है, क्योंकि आज से अंत तक सूर्य को फॉलो करने वाला नहीं है, चंद्रमा को फॉलो करने वाला है। गीता का भगवान किसको मानने वाला है? नहीं, कृष्ण को मानने वाला है। यज्ञ के आदि में भी इसी द्रौपदी के ऊपर झगड़ा हुआ था, अंत में भी झगड़े का कारण वही द्रौपदी कुंड से निकलने वाली द्रौपदी बनती है, चाहे बेसिक में और चाहे एडवांस में। इसलिए लास्ट मणका है, चंद्रवंशी है, लेकिन सूर्यवंशी नहीं है। सूर्यवंशियों में 8 मणके हैं, जो 8 भगवान को मानने वाले, भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करने वाले जो मणके हैं, उनमें अव्वल नंबर हैं, माने सब धर्मों के पूर्वज हैं। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले, माने शिव बाप ने जगदम्बा ब्रह्मा में प्रवेश करके जब पहले ब्राह्मण प्रजापिता को जन्म दिया, तो प्रजापिता से 8 को पहले पहले ज्ञान मिला। जो डायरेक्ट बाप के बच्चे बने सूर्यवंशी, वो 8, उनमें पहले 2, एक तो ज्ञान सूर्य का टाइटलधारी स्वयं, और दूसरा उसको विशेष फॉलो करने वाली, और ऐसी फॉलो करने वाली नहीं कि जब से ज्ञान में निकले तो कुछ फॉलो करे कुछ फॉलो न करे, आज से लेकर के अंत तक एक को फॉलो करने वाली, और वो एक अकेली नहीं होती, 8 ही मणके ऐसे होते हैं जो यहाँ संगम युग में फॉलो करते हैं पूरा पूरा, तो 84 जन्म में भी पूरा फॉलो करते हैं, बाप समान कहे जाते हैं। उनमें जो दूसरा मणका है उसका नाम दिया हुआ है काशी। बाबा ने योगिनी नाम दे दिया, योगी राज भक्ति मार्ग में नाम दिया। कृष्ण को भी कहते हैं, शंकर को भी कहते हैं योगीश्वर, और ब्रह्मा के 4 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम भी है योगीश्वर सनत कुमार, जिसके नाम पर सनातन धर्म की स्थापना होती है। योग ही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, उसे योग को संस्कृत में कहते हैं काश्य। काश्य माने तेज, कहे का तेज, याद का तेज, वो याद का तेज जिसमें भरा हुआ है, ऐसी धरणी, चैतन्य में धरणी या जड़ में धरणी, चैतन्य धरणी, वहां जाकर के जो मरेंगे वो कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। कितने मरेंगे?
जो इस शरीर से ही स्वर्ग में जावेंगे जीते जी 4.5 लाख माने 7 काशीवासी हैं। आज मरे चाहे कल मरे, कहाँ मरना है? काशी में मरना है। इसलिए ऐसी जो पवित्र भूमि है वो उस देवता को प्रिय है। किस देवता को? शंकर की प्यारी नगरी है। सारी दुनिया की बुद्धि लगी रहती है दिल्ली की ओर, क्योंकि सब धर्म के फॉलोअर्स ने दिल्ली के गोद में राज्य किया है, दिल्ली में राजाई की है हर धर्म वालों ने। इसलिए सबकी प्यारी दिल्ली है दुनिया वालों की, लेकिन काशी राज की नगरी काशी है और काशी वासी की नगरी काशी है। काशी में प्योरिटी ज्यादा होगी, काशी के वातावरण में जो पलेंगे उनमें प्योरिटी के वाइब्रेशन ज्यादा आएंगे, या दिल्ली में पलेंगे उनमें ज्यादा वाइब्रेशन आएंगे? काशी में मरेंगे अंत मते सुगते। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि चाहे छोटी माँ हो लक्ष्मी, नारी से लक्ष्मी भल बनती है, लेकिन प्योरिटी में उतनी पावरफुल नहीं है। कितनी? जितनी काशी नगरी पावरफुल है। उसका नाम दिया है अनुसुईया। जो जितना पवित्र होगा उसमें किसी के प्रति ईर्ष्या देश नहीं होगा। असूया माने ईर्ष्या देश, अनुसूया माने जिसमें ईर्ष्या देश न हो। तो तीनों देवियों को ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन देवताएं भले बड़े माने जाते और उनकी जीवन संगिनियां वो भी बड़ी मानी जाती हैं। त्रिदेवियां प्रसिद्ध हैं, गायत्री देवी के रूप में उनकी पूजा भी होती है, गायत्री मंत्र का मान भी बहुत है, फिर भी उन तीनों को किसके सामने झुकना पड़ता है? अनसुईया के सामने झुकना पड़ता है। इसलिए बाप दादा ने नाम दिया है परदादी। वो बेसिक में भी परदादी यहाँ कलकत्ते में है, परदादा कलकत्ते में है तो परदादी भी कहाँ होगी? कलकत्ते में ही होगी। और बाबा जैसे अग्रदेव आपने बताया ग्वाली में शंकर को फॉलो करने वाले और इस बोर्ड, तो ये जो अग्रदेव बनते हैं चार ब्रह्मा समान होते हैं, चार विष्णु समान, चार शंकर समान तो नहीं होते हैं? रुद्रमाला के 8 मण के जो 8 धर्मों के पूर्वज हैं, 8 वो धर्म जो आस्तिक हैं, उनमें नास्तिकता नहीं है। जैसे आर्य समाजियों में आर्य समाजी अर्ध नास्तिक हैं, साकार को नहीं मानते इसलिए नास्तिक हैं। तो आर्य समाजियों को हटा दो, कितने धर्म बचे? 8 बचे। उन 8ों के पूर्वज हैं
800 धर्मों में सबसे पहले फाउंडेशन डालने वाले कौन हैं? ये 8 पूर्वज, इसलिए अष्टदेव हैं, वो सूर्यवंशी हैं। विजयमाला कौन से वंश से आती है? चंद्रवंश से आती है। ओरिजन चंद्रवंश का है, बाद में सरेंडर होने के बाद सूर्यवंशी बनती है। इसलिए विजयमाला के अस्त की बात नहीं हो रही है, उन सूर्यवंशियों की बात है जो ओरिजिनली सूर्य के कनेक्शन में रहने वाले हैं। और है कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा का कौन से ब्रह्मा के सहयोगी बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी वही हो गया। और है बिल्कुल होते हैं, विष्णु कोई अलग से होता है क्या? है है प्रजापिता ब्रह्मा वहाँ भी तो प्रजापिता आदि वैष्णव। सारी दुनिया का बाप कौन है? चाहे तीनों हो, चाहे आठों हो, चाहे सारी दुनिया क्यों न हो, ओम शांति।